आज हम बात करने जा रहे हैं सूरज पर लैंड करने यानी कि उतरने की। आपको बता दें कि इंसान आज तक सिर्फ चांद पर ही लैंड कर पाया है, लेकिन जल्द ही वो मंगल ग्रह पर भी उतर जाएगा और वहाँ एक नई दुनिया बसाने की शुरुआत कर देगा। ये काम कुछ ही सालों में होने वाला है। अगर आपके पास पैसा और हेल्थ है तो आप भी मंगल ग्रह पर जाकर रह सकेंगे। अगर बात करें कि सौर मंडल में मौजूद किस ग्रह पर इंसान उतर सकता है तो एकमात्र मंगल ही ऐसा ग्रह है जहां इंसान उतर सकता है, रह सकता है, लेकिन इस पे सूट पहनकर। अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो वो बहुत गर्म है। वहीं बात करें बुध ग्रह की तो वहां भी उतरना संभव नहीं है। बात करें जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस की तो वहां पर जमीन ही नहीं है, यानी कि वो ग्रह गैस के बने हुए हैं या फिर आइस के, इसलिए वहां पर हम लैंड कैसे करेंगे? वेल, ये तो काफी कठिन है। तो सोचो अगर हमें सूरज पर उतरने की कोशिश करें तो क्या होगा। आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक खतरनाक मिशन पर जिसका नाम है सूरज, और हम यहाँ उतरने की कोशिश भी करेंगे। नासा को सूरज इतना पसंद आ गया है कि वो सूरज पर लगातार मिशन भेजता जा रहा है। 2018 में उसने पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के लिए रवाना किया, जो सूर्य के सबसे पास से गुजरने वाला यान है। जब ये सूर्य के नजदीक था तो सूर्य और पार्कर सोलर प्रोब की दूरी मात्र 62 लाख किलोमीटर थी। लेकिन क्या हो अगर हमें सूरज के और भी करीब जाना हो? सूर्य पर लैंड करने से पहले हमें एक सफर तय करना होगा। तो चलिए, हम धरती से एक स्पेसशिप में बैठकर सूरज की तरफ निकल चुके हैं, और हमारा स्पेसशिप उस धातु से बना है जो सूरज के भीषण तापमान में भी पिघलेगा नहीं। हालांकि ऐसी धातु अभी तक मिली नहीं है, लेकिन सूरज पर जाने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं। हम धरती से बाहर निकल चुके हैं और काले गुप्त अंधेरे में चलते चले जा रहे हैं। अब हम सूरज से 1 करोड़ किलोमीटर दूर हैं, और ये सूर्य के एटमॉस्फेयर की बाहरी लेयर है जिसे कोरोना कहते हैं। यहाँ पर तापमान ज्यादा नहीं बल्कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस है, मतलब लावा से 900 गुना ज्यादा गर्म। पर हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा स्पेसशिप ऐसी धातु से बना है जो तापमान कितना भी हो वो पिघलेगा नहीं। वहीं स्पेसशिप के अंदर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण हमें पता ही नहीं चल रहा कि बाहर कितना गर्म है। हमारा स्पेसशिप तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और अब हम सूर्य से सिर्फ 3000 किलोमीटर दूर हैं। ये सूर्य की दूसरी लेयर है जिसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य गैसेस की लपटें छोड़ रहा है जो कि हजारों किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। क्रोमोस्फेयर में तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सोलर कोरोना के तापमान से काफी कम है, और वैज्ञानिक नहीं जानते कि सोलर कोरोना इतना गर्म क्यों है। ये सूरज का सबसे बड़ा रहस्य है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम आग जलाते हैं तो आग के पास तापमान ज्यादा होता है, और हम जितनी दूर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, लेकिन सूरज के साथ उल्टा है। हम जितना सूरज के पास जाते हैं तापमान उतना ही कम होता जाता है, और दूर जाने पर ये लाखों डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को भेजा है। इसके साथ ही पार्कर सोलर प्रोब सूरज से जुड़ी कई और जानकारियों को धरती पर भेजेगा। हमारा सफर अभी भी जारी है, और अब हम सूरज की अगली लेयर फोटोस्फीयर में पहुंच गए हैं। ये सूरज की सरफेस यानी कि सतह है जिसे हम धरती से रोजाना देखते हैं। यहाँ पर हमारा वजन काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ सूर्य की ग्रेविटी का हम पर असली प्रभाव होगा। अगर धरती पर हमारा वजन 75 किलोग्राम था तो यहाँ पर हम 2000 किलोग्राम के होंगे, जो कि एक राइनो यानी गेंडे के वजन के बराबर होगा। यहाँ पर ग्रेविटी के कारण हमारी हड्डियाँ टूट जाएंगी और सारे ऑर्गन की चटनी बन जाएगी। पर अगर हम यहाँ बच गए और सूरज पर उतरने की कोशिश करेंगे तब भी उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य की सतह धरती की तरह सॉलिड यानी ठोस नहीं है। ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक विशाल गोला है जिसकी वजह से ही धरती पर जीवन मौजूद है। लेकिन आपको पता है कि हम इंसान हैं और बहुत बड़े जिद्दी हैं, तो सूरज की सतह पर उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही हम सूरज की सतह पर उतरेंगे तो देखेंगे कि हम सूरज के अंदर जा रहे हैं। हमें यहाँ कुछ काले धब्बे भी नजर आएंगे जिन्हें सन स्पॉट कहा जाता है। ये सन स्पॉट लगभग पृथ्वी के साइज के होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप, यानी पृथ्वी जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ही सन स्पॉट होते हैं। ये सन स्पॉट सूर्य के अंदर से निकल रही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होते हैं,
जब जब सन स्पॉट बनते हैं तो समझ जाइए कि वहाँ से सोलर फ्लेयर निकलने वाला है। सोलर फ्लेयर 10 अरब हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी एक बार में पैदा कर सकता है। सूर्य की सतह के अंदर जाते ही हम कन्वेक्शन जोन में होंगे। यहाँ पर तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस होगा। आपको बता दें कि ये तापमान इतना ज्यादा है कि अगर हमने अपने स्पेसशिप में हीट शील्ड लगाई होती तो वो इतने तापमान में बिल्कुल भी काम नहीं करती। आपको बता दें कि हम हीट शील्ड के लिए टेंटलम कार्बाइड की मदद लेते हैं, जो कि मैक्सिमम 4000 डिग्री सेल्सियस की हीट को सह सकता है। हमारा सफर अभी भी जारी है और हम सूर्य की सतह से 2 लाख किलोमीटर नीचे पहुंच चुके हैं, जिसे रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं। ये सूर्य की सबसे मोटी लेयर है। यहाँ पर दबाव पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 10 करोड़ गुना ज्यादा है। ये इतना डेंस है कि यहाँ से लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन हम एक रहस्यमयी धातु से बने स्पेसशिप की वजह से अभी तक जिंदा हैं। अब हम सतह से 5 लाख किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और ये जगह सूर्य के सेंटर से 1,96,000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर प्रेशर धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 200 अरब गुना ज्यादा है। यहाँ पर एटम्स एक दूसरे के इतने पास हैं कि वहाँ की डेंसिटी लोहे से 10 गुना ज्यादा है। वहीं तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हमारा सफर अभी भी जारी है और हम सूर्य के सेंटर पर पहुंच चुके हैं, जो प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। बाकी 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? अभी हमें कमेंट करके बताएं। वैसे सूरज पर हमारा सफर खत्म हो गया है और हर बार की तरह हम यहाँ फंसने वाले नहीं, इसलिए हम वापस सूरज की सतह से बाहर आ गए हैं और अपने घर वापस जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जल्दी ही मिलेंगे किसी और प्लेनेट या स्टार की यात्रा पर। तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद दोस्तों।